हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जर्मन क्लास। आज हम बात करेंगे आपके क्वेश्चंस की। मैंने आपको कहा था कि नाउ ऑनवर्ड्स ऑन एवरी संडे आई विल टेक अप योर क्वेश्चंस एंड रिप्लाई। आप जो भी कमेंट्स में मुझे क्वेश्चंस करते हो, काफी क्वेश्चंस अब आते हैं। जैसे जैसे ग्रुप बड़ा हो रहा है, चैनल ग्रो कर रहा है, तो काफी क्वेश्चंस आते हैं। उनका इंडिविजुअली आंसर मैं इसलिए नहीं देना चाहता क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आप सभी के मन में होते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि सभी को आंसर करूँ। और संडे का मैंने डेट डिसाइड किया है कि आपके जो भी कमेंट्स आएंगे, जो भी क्वेश्चंस होंगे आपके, और उन सबका मैं आंसर करूंगा संडे को। तो ये सेशन इसीलिए मैं आपके क्वेश्चंस पढ़ूंगा और वन बाय वन आप सभी के आंसर्स करूंगा। ये जो क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, ये लास्ट टू वीक्स के क्वेश्चंस हैं। अलग अलग लोगों ने क्वेश्चंस भेजे हैं, तो वन बाय वन मैं उन सबके आंसर्स करूंगा। और शायद इन आंसर से काफी लोग दूसरे लोगों की भी हेल्प होगी जिनको इन क्वेश्चंस के जवाब चाहिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ जर्मन ए टू बुक फॉर एग्जाम प्रिपरेशन। एग्जाम प्रिपेयर करने के लिए ए टू बुक जर्मन की कौन सी है? देखिए, इसके लिए जो बुक है वो है मीटर फॉल्क, या फिर आप ले सकते हैं जो गेट। मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपने देखा होगा बुक्स के नाम लिखे हुए काफी, तो आप किसी भी बुक पे जो भी आपको चाहिए ए टू बी वन उस पर क्लिक करो और आप सीधा ऑनलाइन लिंक पे जा सकते हो। और अगर आपको वहां पे नई बुक मिलती है तो दोबारा वहां पे सर्च में जाके लिख सकते हो ए टू जर्मन बुक। वैसे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है जर्मन एग्जाम प्रिपरेशन ए टू बुक का, तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। मिट एरफॉल्क नाम है उसका, या फिर है जो गेट सूम। तो ये दो बुक्स है, काफी अच्छी है। या फिर प्रूफुंग्स ट्रेनिंग, ह्यूबर फेरलाग, ये पब्लिकेशन है ह्यूबर फेरलाग, तो उसकी बुक आप परचेस कर सकते हो और उसको अच्छे से पढ़िए, एग्जाम आपका अच्छे से पास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, एक तो जब आप क्वेश्चन लिखते हो तो प्लीज अपना नाम जरूर लिखना। कई बार क्या है कि आपके चैनल का नाम होता है तो मुझे पता नहीं चलता। जैसे एक चैनल है मे आई आस्क, अब ये यूट्यूबर है कोई, एक चैनल है या स्टूडेंट का नाम है, तो इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि मेरा 68% मार्क्स से सीजीपीए 7.2 है, मतलब 68% मार्क्स से इनके, तो इनका सीजीपीए 7.2 है और जर्मन ग्रेड में अगर कन्वर्ट करते हैं तो इनका बनता है 2.7। अब ये बोल रहे हैं कि इनका ग्रेड क्या होगा, सीजीपीए होगा या जर्मन ग्रेड। तो देखिए, अगर आप जर्मनी में एजुकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, स्पेशली मास्टर्स या बैचलर्स के लिए, तो ये जो आपके 68% अगर ये मास्टर बैचलर्स की है और आपका अगर सीजीपीए 7.2 है और ग्रेड 2.7 है, तो ऑफकोर्स जर्मन ग्रेड ही माना जाएगा आपका, जर्मन ग्रेड ही आपको लिखना पड़ेगा और उसी की इंपॉर्टेंस है वहां पे। तो आप 2.7 जर्मन ग्रेड में कैलकुलेट करिए और 2.7 ग्रेड ही एंटर करिए और वही ग्रेड आप सबको बताइए जो भी कोई आपका पूछता है कि आपका क्या ग्रेड है जर्मन स्केल पे। तो ये जर्मन स्केल का ग्रेड है, इसके लिए भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप प्लीज जाके वीडियो जरूर देखो कैसे अपने इंडियन मार्क्स को जर्मन स्केल पे कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया हुआ है, आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, कैन आई गिव डायरेक्ट ए टू एग्जाम विदाउट गिविंग ए वन। काफी अच्छा क्वेश्चन है और काफी लोगों के मन में होता है कि हम A1 एग्जाम के बिना डायरेक्ट A2 एग्जाम दे सकते हैं क्या। यस, ये बिल्कुल पॉसिबल है। आप गोयथे इंस्टीट्यूट, गोयथे सेंटर में, जो भी आपके सिटी में नियर बाय, वहां पे जाके एनरोल कीजिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और आप सीधा A2 एग्जाम दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीपक गुप्ता का नाम है इनका नाम, इफ आई गेट ए जॉब बेस्ड ऑन B1 लेवल, इफ कंपनी आस्क A1 सर्टिफिकेट देन व्हाट। तो ये क्वेश्चन तो आपका काफी इंटरेस्टिंग है कि आपने B1 लेवल के बेसिस पे कोई जॉब ली है और अब आप बोलते हो कंपनी आपसे बोलती है A1 का सर्टिफिकेट दिखाओ, तो ऐसा बहुत कम होता है क्योंकि अगर आपने सपोज B1 किया हुआ है तो आपकी वो हाईएस्ट लेवल है, कंपनी हाईएस्ट लेवल कोई प्रेफर करती है। A1 का सर्टिफिकेट जानकर उनको क्या हासिल होगा मुझे नहीं पता, कोई इसमें बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ चेक करनी है उसकी A1 के लिए, तो ऐसा नहीं होता है। अगर आपका B1 है तो B1 ही मांगा जाएगा और A1 का कंपनी नहीं पूछेगी क्योंकि जो हाईएस्ट लेवल है वही पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टू बुक जर्मन एग्जाम, प्रीत का ये क्वेश्चन है कि जर्मन एग्जाम कैसे बुक करें। मैंने बहुत बार इस पर वीडियो बनाए, 2-3 वीडियोस मैंने बनाए हैं कि जर्मन एग्जाम कैसे बुक करना है, तो उसके लिए मैं दोबारा एक बार बता देता हूँ। गोयथे वेबसाइट पर जाना है आपको, गोयथे इंस्टीट्यूट, जो भी आपका सिटी है उसमें जाना है और जिस भी सिटी में आपको एग्जाम देना है, और वहां पे आपको रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस है, जर्मन एग्जाम्स कॉलम आएगा उस पर क्लिक करना है आपको, और वहां पे क्लिक करोगे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आपको अपना डिटेल्स फिल करनी है। और अब तो ऑनलाइन प्रोसेस इतना फास्ट कर दिया है कि वहीं पर आपकी फीस भी डिडक्ट हो जाती है ऑनलाइन ही, आपको जाने की जरूरत नहीं है, फीस की पेमेंट हो जाएगी और वहीं पर आपका एडमिट कार्ड भी जनरेट हो जाएगा। तो ये काफी अच्छा सिस्टम है, तो इससे आप अप्लाई कर सकते हो और इसका वीडियो मैंने बनाया हुआ, प्लीज वीडियो जरूर देखना, पूरा डिटेल में मैंने वीडियो बनाया हुआ कि कैसे आप अपना बुक कर सकते हो एग्जाम। तो हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है मेहुल अरोड़ा का B1 लेवल का। तो देखिए, प्लेसमेंट टेस्ट क्या होता है पहले मैं बता देता हूं। अगर आप मैक्समुलर भवन में कोई भी लेवल के लिए डायरेक्ट एडमिशन लेते हो पढ़ने के लिए, तो आपको प्लेसमेंट टेस्ट देना पड़ता है, जिसे हम बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपको पास करना होगा और इसके लिए डिटेल्स आपको गोयथे की वेबसाइट पे जाना है और वहां पे स्टाफ में जो आपको मिलते हैं एग्जाम कोऑर्डिनेटर्स,
ठीक है, और एग्जामिनेशन इंचार्जेस उनको आप लिख सकते हो पर्सनल। के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ अबाउट लर्निंग जर्मन इन जर्मन यूनिवर्सिटी इफ दे आर ऑफरिंग फ्री जर्मन कोर्स। बहुत अच्छी बात है, आप जर्मनी में पढ़ रहे हो, जर्मन यूनिवर्सिटीज में इंग्लिश मीडियम कोर्स में शायद आप पढ़ रहे हो, तभी आपको फ्री लैंग्वेज कोर्स अवेलेबल करा रहे हैं। तो जर्मन यूनिवर्सिटीज में अगर आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश है, इंग्लिश मीडियम में अगर आप बैचलर्स और मास्टर्स कर रहे हो, तो आपको यूनिवर्सिटीज में जर्मन लैंग्वेज कोर्स भी कराया जाता है। ये कंपलसरी कोर्स होता है, बेसिक कोर्स, फाउंडेशन कोर्स, ताकि आपको थोड़ा वहां पर रहने में, पार्ट टाइम जॉब करने में थोड़ा इजी हो जाए। तो डेफिनेटली आप कर सकते हो, इसमें कोई हार्म नहीं है, वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, ग्रैब इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन आई फाइंड नाउन वर्ब इन इंटरनेट। देखिए मैंने बताया था नाउन और वर्ब कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं वोकैबुलरी का। तो आप जस्ट गूगल पे सर्च करो नाउन वर्ब इन जर्मन, आपको काफी बड़ी लिस्ट मिल जाएगी, उसको डेली बेसिस पे लर्न करो, उससे आपकी वोकैबुलरी काफी इंप्रूव होगी और लैंग्वेज भी काफी अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, A1 एक्सप्रेशन में बहुत कम नंबर आए हैं, सजेशन दीजिए। A1 एक्सप्रेशन में बहुत कम नंबर का मतलब बताइए क्या है, क्या आप फेल हुए हैं या पास हो गए हैं। आपको पता है जर्मन एग्जाम में पास होने के लिए मिनिमम 60% मार्क्स चाहिए होते हैं, तो अगर आपके 60% मार्क्स से कम आए हैं तो डेफिनेटली आपको पेपर रिपीट करना पड़ेगा और अच्छे नंबर लाने पड़ेंगे। और अगर आपके 60% मार्क्स आ चुके हैं, आप पास हो गए हो, जस्ट आप इंप्रूवमेंट के लिए दोबारा देना चाहते हो, तो ये आपकी चॉइस है। मेरा सजेशन है आप दोबारा मत दीजिए, अगर आप पास हो चुके हो आप दूसरे लेवल की तैयारी करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरवाज आलम का, कैन आई गेट अ जॉब, आई पास क्लास 12th एंड डन जर्मन B1 लेवल। अरवाज क्लास 12th आपने पास किया, जस्ट आप ग्रेजुएट हो जाइए तो आपके पास जॉब्स के ज्यादा चांसेस हैं। B1 लेवल है ठीक है, बट ग्रेजुएट होना मस्ट है, तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज थोड़ा बेटर हो जाएंगी अगर आप ग्रेजुएट हो जाओगे तो। कंपटीशन काफी टफ हो गया आजकल, तो B1 को भी थोड़ा अपग्रेड कीजिए, B2 तक कर लीजिए अगर आपके पास टाइम है, तो इसमें कोई लॉस नहीं है, बट आप ग्रेजुएट जरूर हो जाइए। दीपक झा का नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई हैव डन एडवांस डिप्लोमा, कैन आई गेट अ जॉब और गोएथे सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड। देखिए दीपक, एडवांस डिप्लोमा जो आपने किया यूनिवर्सिटी से, ये पार्ट टाइम कोर्स है और ये भी काफी अच्छा कोर्स है, काफी अच्छी लैंग्वेज इसमें सिखाते हैं, तो ये B1 लेवल के इक्वल होता है, तो आप ठीक है, आपको जॉब मिल जाएगी अगर आप ग्रेजुएट हो ऑलरेडी। और अगर आप करना चाहते हो गोएथे से लेवल्स, या कोई B1 या B2 लेवल आगे करना चाहते हो, B2 लेवल ही करिए आप, क्योंकि B1 ऑलरेडी आपका एडवांस के बराबर हो चुका है, तो B2 लेवल या ऊपर करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो, अपग्रेड करिए, कोई उसमें नुकसान नहीं है, आपकी लैंग्वेज थोड़ा अपग्रेड हो जाएगी, आपका लेवल बढ़ जाएगा, तो आपके पास चांसेस काफी अच्छे होंगे। जैसे कि मैंने बताया आजकल जॉब मार्केट में भी काफी कॉम्पिटिशन है, तो यू हैव टू क्वेश्चन है, जर्मन लैंग्वेज में कोई एज बाउंड है क्या? नहीं, जर्मन लैंग्वेज सीखने के लिए कोई एज लिमिट नहीं है, आप किसी भी एज में कहीं से भी कभी भी जर्मन सीख सकते हो। तो आपको अगर जर्मन सीखने का मन है तो आप जरूर सीख सकते हो, आजकल काफी रिसोर्सेज अवेलेबल है ऑनलाइन ऑफलाइन, जैसा कि आपको पसंद हो आप लैंग्वेज सीखिए, और विश यू ऑल गुड लक। कोई सपोर्ट चाहिए तो यू कैन राइट टू अस ईमेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोएथे A2 एग्जाम में लिस्टिंग में 20 क्वेश्चन में से कितने पास करने होते हैं? देखिए आपको पता है जर्मन एग्जाम पास करने के लिए मिनिमम 60% मार्क्स आपको चाहिए, तो अगर आपके पेपर में 20 क्वेश्चन आते हैं तो वन मार्क का एक क्वेश्चन है ऑन एन एवरेज, ये आपको चेक करना पड़ेगा डिटेल क्वेश्चन पेपर्स में, तो उसका 60% कितना है, उतने क्वेश्चन आपको पास करने पड़ेंगे पास होने के। नेक्स्ट क्वेश्चन है निधि गुलिया का, हाउ कैन आई फिलअप A1 एग्जाम फॉर्म। A1 एग्जाम फॉर्म कैसे फिलअप करना है, मैंने इसके लिए डिटेल वीडियो बनाया हुआ है निधि, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और इसके बाद भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो गोएथे की वेबसाइट पर जाइए, वहां पे जर्मन एग्जाम पे क्लिक करो, अपना लेवल चूज करो, डेट एग्जाम की चूज करो, और अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को, अपनी डिटेल्स को फिल करो और फीस सबमिट करो, आपको फॉर्म सबमिट हो जाएगा, आपको एक्नॉलेजमेंट स्लिप भी आएगी और आपको एडमिट कार्ड भी इश्यू हो जाएगा। तो काफी अच्छा प्रोसेस है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे ही आप अपने आपको एग्जाम के लिए एनरोल कर सकते हो। और वीडियो डिस्क्रिप्शन में डिटेल वीडियो, वहां पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी कैसे कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौविक रॉय का, व्हाट इज द जर्मन प्रोफिशिएंसी टेस्ट फॉर मास्टर्स इन जर्मनी इन इंग्लिश मीडियम। सौविक, मास्टर्स करना है जर्मनी से, वो भी इंग्लिश मीडियम में, तो प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपको इंग्लिश का चाहिए होगा, जर्मन का नहीं। इंग्लिश का आपको IELTS 6.5 बैंड करोगे अच्छा रहेगा चांस, और जर्मन का आपको A1 A2 लेवल कर सकते हो आप, तो इसमें कोई लॉस नहीं है, बट प्रोफिशिएंसी आपको इंग्लिश की प्रूफ करनी है, जर्मन की नहीं, क्योंकि आपका मीडियम इंग्लिश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवम भटेजा का, जॉब अपॉर्चुनिटी इन दिल्ली आफ्टर B1 लेवल। शिवम, दिल्ली पर्टिकुलर की बात करूं तो ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी, और होगी तो शायद इसके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है, बाकी NCR रीजन में जहां पे नोएडा और गुड़गांव आता है वहां पे कंपनीज है काफी, HP है और EY है, गुड़गांव में कॉन्सेंट्रिक्स है, काफी अच्छा काम मिलता है फ्रेशर्स के लिए, काफी अच्छी सैलरीज भी होती है, तो एक बार वहां पर ट्राई कीजिए आप और अपना रिज्यूम वहां पे सेंड कीजिए। इसके अलावा आप LinkedIn पे अपना प्रोफाइल बनाइए, लोगों से कनेक्ट हो जाइए, काफी प्रोफेशनल्स है, वैकेंसीज आती रहती हैं। जर्मन क्लास का पेज भी है वहां पे, लाइक करो उस पर, मैं भी उस पर काफी
अपडेट्स देता रहता हूँ जो भी वैकेंसीज आती है ऑल ओवर इंडिया। और एक आप प्रोफाइल बनाइए अपना जिंक पे, और इसके अलावा indeed.com उसको सर्च करते रहिए, वहां पे भी काफी वैकेंसीज आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरवाज आलम का, सर क्या आप गोइथे एग्जाम की प्रिपरेशन कराते हो? यस बिल्कुल, गोइथे एग्जाम के नहीं बाकी लेवल्स के लिए भी तैयारी कराते हैं, A1, A2, B1, B2, जो भी आपको लेवल पढ़ना है आप पढ़ सकते हो। आप मेल करिए, जो भी आपको लेवल पढ़ना है आपके रिक्वायरमेंट्स है, वी विल गेट बैक टू यू एंड कॉल यू बैक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिलाषा कुमारी का, क्या हुआ क्या सर घर पे बैठ के जर्मन सीख सकते हैं और ऑनलाइन जर्मन सीखने के बाद जर्मन एग्जाम दे तो कितनी फीस लगेगी? अभिलाषा यस, आप घर बैठे जर्मन सीख सकते हो, खुद से भी सीख सकते हो, ऑनलाइन भी सीख सकते हो, किसी टीचर की हेल्प से भी सीख सकते हो, सारे ऑप्शंस आपके पास है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जाम देने के लिए जो फीस है वो लेवल वाइज होती है, A1 और A2 की फीस आजकल 7000 रुपीज है, एक रफ आइडिया दे रहा हूँ आपको, एग्जैक्ट फिगर चेक करना है तो वेबसाइट पर चेक करना पड़ेगा। B1 की अराउंड 13000 होती है, तो ये फीस आपको देनी होगी एग्जाम की, गोइथे सेंटर पे ही ऑनलाइन सबमिट होती है फीस जब आप एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिंकू पंडित का, आफ्टर 12th आर्ट्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए जर्मनी में बैचलर्स का क्या ऑप्शन है? पिंकू काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी आप में से लोग होंगे जिन्होंने 12th करी है ह्यूमैनिटीज से आर्ट साइड से और आप जर्मनी में आगे पढ़ना चाहते हो, तो मेरी सजेशन है आप करिए होटल मैनेजमेंट का कोर्स या फिर आप करिए BBA बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स बैचलर्स, इंग्लिश मीडियम से आप करिए। इसके लिए आप IELTS का एग्जाम पास करिए 6.5 बैंड से, ठीक है, एडमिशन लीजिए अच्छे कॉलेज में, और उसके बाद आप साथ साथ जर्मन चाहो तो आप यहाँ से इंडिया से कर सकते हो, जर्मनी से भी कर सकते हो, दोनों ऑप्शन हैं, बट वहाँ पे थोड़ा एक्सपेंसिव रहेगा, तो यहीं इंडिया से आप B1 लेवल करके जाइए और साथ में वहाँ पे HM का कोर्स बोलते हैं होटल मैनेजमेंट का, काफ़ी अच्छा प्रोफेशनल कोर्स है, बहुत डिमांड है पूरे यूरोप में, सैलरीज भी बहुत अच्छी है, तो मेरा सजेशन है। बाकी आप डिसाइड कर सकते हो आपको क्या करना है, कौन सा कोर्स करना है, तो ये प्रोफेशनल कोर्स मैंने बताया, करने के बाद काफ़ी ऑप्शन है और पैसा काफ़ी अच्छे से कमा सकते हो। जर्मन यहाँ से सीख के जाइए, वहाँ पे कोर्स करिए और साथ साथ पार्ट टाइम जॉब करिए, कोर्स फिनिश हो जाएगा तो आपको ट्रेनिंग मिल जाएगी, ट्रेनिंग के टाइम पे आपको पैसे भी मिलेंगे। तो ये था आज का सेशन हमारा Q&A सेशन, जो कि बेस्ड था आपके क्वेश्चंस के ऊपर। इस तरह से हर वीक सेशन आते रहेंगे, एवरी संडे आप कमेंट्स में लिखते रहिए अपने क्वेश्चंस और मैं नेक्स्ट संडे आपके क्वेश्चंस के आंसर करूंगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, देखते रहिए जर्मन क्लास, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर।